हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं वर्कशीट टू। लेकिन वर्कशीट टू शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स वर्कशीट वन में हमने ये पढ़ा कि जब किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 100 के फॉर्म में होता है तो हम उसको आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हर बार आपको ऐसा रैशनल नंबर मिले जिसके डिनोमिनेटर को हम 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो दो तरह का हमको डेसिमल्स मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहला है देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए, डेसिमल नंबर्स हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जब हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ हमको डेसिमल प्लेसेस मिले तब हम ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं तो क्लियर होगा। 11 / 2। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ लिखा 2 और इधर 11, तो 2 5 जा 10 और यहाँ बचा 1 माइनस किया तो ठीक है यहाँ दिया डेसिमल 0, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए डेसिमल के बाद हमको कितना डिजिट मिला है, एक डिजिट मिला है। फाइनाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम यहाँ डिजिट को काउंट कर सकते हैं और सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसे हम डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें क्या होते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे और भी डिजिट हो सकता है, जैसे देखिए 3.245 हो सकता है, 4.3281 भी हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होगा कि उसकी पहचान क्या है कि डिनोमेटर उसका क्या आएगा, 0 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करें और डेसिमल के बाद हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मिले तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए, हम यहाँ लिखते हैं 10 / 3। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 3 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ उतरा 1.0, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये 3 3 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि इसका कभी भी रिमाइंडर क्या है, वो 0 नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिमाइंडर क्या आता है, 0, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या आएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो टर्मिनेट हो जाए यानी खत्म हो जाए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि जो कभी खत्म नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब मेरा आंसर इस तरीके से आता है तो हम यहाँ पे इस बार का यूज करते हैं, ये इसका सिंबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमको लिखना है यहाँ पे 3.3333 ऐसे बार बार आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.3 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब क्या है कि ये रिपीट होता रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह हम समझेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना वर्कशीट टू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं जिनको हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, 21/16। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 21/16। ठीक है, 16 / 16 माइनस कर दिया, 5 बचा कट। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल दिया, डेसिमल देने के बाद हम एक जीरो यहाँ पे उतार सकते हैं। ठीक है, 16 / 3 = 48। ठीक है, माइनस किया बचा यहाँ पे 20। 16 / 1 = 16 माइनस किया बचा यहाँ पे 4, फिर 0, फिर 16 / 2 = 32 माइनस किया यहाँ बचा 8, 0, 16 / 5 = 80। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो देखिए मेरा रिमाइंडर यहाँ क्या आया स्टूडेंट्स, 0 आया। ठीक है, और ये कौन सा डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेसिमल के बाद देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है यानी कि हम जिनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 129/25। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 129 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए चलिए डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा, 5 बार, 125। ठीक है,
माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 4, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ठीक है। अब हम यहाँ डेसिमल देंगे और एक जीरो उधार लेंगे, फिर वन बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब डेसिमल हमने दिया तो यहाँ पे एक जीरो हम उतार सकते हैं, ठीक है। अब कितने बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 150, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 5.16, और ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 17/200, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 17 यहाँ पे रहेगा और 200 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए 17 क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल और यहाँ लगा लेंगे एक जीरो, ठीक है। अभी भी ये छोटा हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे, फिर हम एक जीरो लगाएंगे। डेसिमल देने के बाद हम सिर्फ एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो और हमको जीरो की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हमको जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कितने बार लेके जाएंगे, 200 का 8 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1600, ठीक है। माइनस कर लेंगे कितना बचेगा, 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक जीरो उतार सकते हैं और कितने बार लेके जाएंगे, 5 बार, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। माइनस कर देंगे आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स, आ गया मेरा 0.085। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/11। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे 11, पॉइंट दिया, क्योंकि देखिए हाँ 5 क्या है, छोटा है 11 से, तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो डेसिमल दिया, एक जीरो उतारा, 11 4 जा 44, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6, यहाँ पे 0, ठीक है। अब 11 5 जा 55, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 5, और डेसिमल दिया तो एक जीरो हम उतार सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको ध्यान देना है कि क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है हमको देखना है, ये ऊपर वाला, जैसे देखिए 50 है, 60 है, 50 है, ठीक है। तो ये देखिए 50 और 50 यहाँ पे रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये नीचे आया क्या, 50, तो हमको देखना है कि 50 यहाँ पहले ही नंबर पे, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होगा वो सारा क्या होगा, रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बार, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.45 यहाँ लग जाएगा बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 22/7। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 22 और यहाँ पे 7, 7 3 जा 21, माइनस किए कितना बचा यहाँ पे 1, डेसिमल दिया यहाँ पे 0 उतारा, 7 1 जा 7, ठीक है, माइनस किया 3, 0 उतार लिए, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, माइनस किया 2 उतारा 0, 7 2 जा 14, माइनस किया यहाँ पे 6 आया 0, ठीक है। फिर लेके जाएंगे कितने बार, 7 8 जा 56, माइनस किया कितना बचा यहाँ पे 5 और उतारा 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे देखना है, नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, कौन सा देखिए यहाँ पे, ये वाला हमको देखना होता है, 22 10 30 20 60 50, अभी तक तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आगे लेके जाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है, यहाँ कितना बचा रहा है, 1 और 10, ठीक है। अब देखिए रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 10 है और इस जगह पे 10 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10 यहाँ पे देखिए किस नंबर पे है, यहाँ पहला दूसरा, ठीक है, यानी कि दूसरा डिजिट से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से देखिए, ये हुआ पहला डिजिट, ये हुआ दूसरा डिजिट, ठीक है। तो इसके बाद हम पूरा लगा देंगे बार यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.14287 और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो किस नंबर पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 आया तो 10 यहाँ पे है, तो आप ऊपर से काउंट कर लेंगे 1 2, यानी दूसरे डिजिट से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या है, 31/27। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 31 और 27, ठीक है, 1 बार लेके चले जाएंगे 27, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, डेसिमल 0, फिर 1 बार लेके जाएंगे 27, माइनस कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और एक 0 यहाँ से ऊपर से उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बार जाएगा, 27 × 4 करते हैं, 4 7 28 2 4 2 8 और 2 10, यानी कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पे 108, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे क्या बचा 2, ये हो गया कट 0। अब देखिए क्या कोई नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्या हमको चेक करना होगा, देखिए 31 है, 40 है, 130 है, 220, अभी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो आगे हम बढ़ेंगे तो कितने बार लेके जाएंगे, देखें यहाँ पे
27 इंटू हम करते हैं 8 बार, ठीक है। 8 7 जा 56 का 6 5 और 8 2 जा 16 16 और 5 21, यानी हमको कितने बार लेके जाना है यहाँ पे 8 बार लेके जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब हम एक 0 ऊपर से उतार सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 40 है और इस जगह पे भी 40 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये 40 जो है किस नंबर पे, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 40 है, यानी दूसरे डिजिट से क्या होगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो दूसरा डिजिट कौन सा है, देखिए पहला ये डिजिट है, दूसरा ये डिजिट है, ठीक है। यानी इस जगह से क्या लग जाएगा, मेरा बार लग जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, इस जगह से लग जाएगा बार, ठीक है। तो यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, यानी 1.148 1.148 1.148 इस तरह आपका रिपीट होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ से नंबर चेक करते रहेगा कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। और जैसे मान लीजिए यहाँ 40 आया, तो हमने देखा यहाँ पे 40 है, तो ऊपर से हम काउंट कर लेंगे 1 2, यानी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे डिजिट से क्या होगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, देखिए 1.148 और ऊपर में लगा देंगे बार, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है, 2/15। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 और यहाँ पे 15, डेसिमल दिया 0 उतारा, क्योंकि क्या था यहाँ पे 2 जो 15 से छोटा था, ठीक है। तो कितने बार लेके जाएंगे, 15 1 जा 15, ठीक है। माइनस किया बचा 5 यहाँ पे 0, फिर 15 3 जा 45, माइनस किया यहाँ 5 और डेसिमल दिया, तो 1 0 यहाँ पे उतार सकते हैं। देखिए यहीं पे नंबर रिपीट हो गया, देखिए यहाँ क्या है, 20 है, यहाँ 50 है और यहाँ पे 50 है, मतलब ये नंबर रिपीट हो गया, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे ये जो नंबर है वो किस प्लेस पे है, देखिए यहाँ पे 1 2, यानी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर से जो डिजिट होगा वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डेसिमल के बाद देखिए कौन सा यहाँ पे दूसरा डिजिट है, 1 2, यानी यहाँ पे बार लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.13 और यहाँ पे लग जाएगा बार, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63/55। फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 63 और यहाँ पे लिखेंगे 55, तो 1 बार हम लेके जा सकते हैं 55, माइनस कर देंगे 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और 5 में से 5 गया 0, ठीक। यहाँ पे लगा देंगे हम डेसिमल, उतार लेंगे 0, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, ठीक है। माइनस कर देंगे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 फिर उतारेंगे, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डेसिमल दे दिया, इसका मतलब हम हर बार 1 0 उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने यहाँ 1 0 उतारा, यहाँ पे 1 0 उतारा, और ज़रूरत होगा तो और भी हम 0 उतारते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 55 का ये कितने बार जाएगा, तो 55 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 बार, ठीक है। 4 5 या 20 4 5 या 20 और 2 22, यानी हम 4 बार लेके जा सकते हैं। 2 2 0, माइनस कर दिया 0 का 0, 5 में से 2 गया 3, यहाँ कट, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेसिमल दिए, तो 1 0 हम यहाँ पे उतार सकते हैं। देखिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, 63 80 250 300, अभी तक तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे लेके जाते हैं, यानी अब हमको कितने बार लेके जाना है, 55 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 बार, 5 5 जो 25 का 5 और 2 5 5 जो 25, 2 27 2 75, तो हम यहाँ पे 5 बार लेके जा सकते हैं, यानी 275, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखिए 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, कट हो गया, तो हम यहाँ पे 1 0 उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया, यानी देखिए 250 यहाँ भी है और 250 यहाँ भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये 250 जो है कितने प्लेस पे है, 1 2 और ये 3 पे है, ठीक है। तो तीसरे वाले डिजिट से क्या होगा, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीसरे वाला डिजिट आप कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3, तो यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस तरह बार लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.145 और 4 5 के ऊपर में हम बार लगा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।